Hi berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you've landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, click on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook, all the links in the description box. Namaste, this is Dvija aur kaise hain aap? Let's switch on to that really suspenseful and calm yet very horror type of mood. We are watching again Haunting Tube. Ghosts of Indian Origin from Different Regions Part 2. ये है Indian Urban Legends. मैंने थोड़ी बहुत अपसेट थी कि पहली बार में गुजरात का कुछ मेंशन नहीं किया था. आई डू हैव फ्यू स्टोरीज अबाउट आवर अर्बन लेजेंड्स, तो अगर इसमें मेंशन नहीं की है तो मे बी हम लोग उसके बारे में बाद में बात करेंगे. फॉर नाउ लेट जस्ट गो एंड एन्जॉय दिस एंड लर्न समथिंग. या आई मीन फॉर मी इट्स लर्निंग, आई एन्जॉय दिस, सो प्ले. उनका इंट्रो आएगा ना पहले. कुछ हफ्तों पहले हमने अपने चैनल पे इंडियन घोस्ट लोड को डिस्कस करा था और हाँ. आप सभी ने उस वीडियो को ढेर सारा प्यार दिया, तो आज की वीडियो में हम और भी कई इंडियन घोस्ट के बारे में बातें करने वाले हैं. और ध्यान रहे कि यहाँ मैंने मोस्ट ऑफ द घोस्ट को आपके सजेशन पे चुना है. अच्छा. चाहे वो सजेशन मेल्स द्वारा हो या फिर कॉमेंट सेक्शन द्वारा. सो नाउ विद दैट सेड लेट्स रोल द इंट्रो. ऑलराइट, आपका भी प्यार काफ़ी सारा था कमेंट सेक्शन में, स्पेशली लेटिंग मी नो कि आपको भी पसंद है ये चीज़ देखना. तो आज सबसे पहले बात करते हैं हम असम की. जी हाँ, असम में पुआली भूत काफी पॉपुलर है. पुआली भूत का लिटरल ट्रांसलेशन होता है लिटिल घोस्ट, यानी कि छोटा भूत. ये जो नन्हे शैतानी क्रीचर्स होते हैं, इनको लोगों के घर से खाना चुराने में काफी मजा आता है. अच्छा. कहानियों की माने तो ये मीठा बहुत पसंद करते हैं, स्पेसिफिकली चावल और मिठाइयाँ चुराना पसंद करते हैं. यूजुअली ये अचानक ही पेड़ पर या फिर थैच रूप से एम्बुश करके बच्चों के हाथ से निवाला छीन ले जाते हैं. अब जिन्हें थैच रूप शब्द का अर्थ नहीं पता, उन्हें बता दूं कि वो जो कच्चे घर होते हैं ना, जिनके छत पे फूस वगैरह होती है, वेल उसे ही हम थैच्ड रूफ्स कहते हैं. खैर, पुआली भूत उन भूतों में से एक है जो टेरिफाइंग या डरावने किस्म के नहीं होते. इंस्टेड देखा जाए तो इंडिया के फोकलोर के नेटिव घोस्ट ज्यादातर ऐसे ही होते हैं, यानी कि इनमें हॉरर से भी ज्यादा एक कल्चरल एसोसिएशन रहता है, खास करके जिस प्लेस से वो बिलोंग कर रहे हो. ऐसा मैं इसलिए कह रहा क्योंकि यूजुअली ऐसे घर जिसके छत फूस के होते हैं वो ईस्ट इंडिया में बहुत ही ज्यादा कॉमन है, तो पुआली भूतों का इस फूस वाले छत में छुपना एक ट्रेडिशनल एलिमेंट ही है. So we can clearly say कि ये जो भूत है ये हमारे ट्रेडिशनल कल्चर से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है. नाउ ऐसे ही एक और घोस्ट है बूढ़ा डंगोरिया. बूढ़ा डंगोरिया को अगर लिटरली ट्रांसलेट किया जाए तो इसका अर्थ होता है ओल्ड होली स्पिरिट, यानी कि बूढ़ी एक बहुत ही होली आत्मा. अब अगर आपने मेरे उस वीडियो को देख रखा है इंडियन घोस्ट लोग पार्ट 1, तो वहां आपको याद होगा मैंने ब्रह्मोदत्या की बात करी थी. वेल, बूढ़ा डंगोरिया उसी की आसामीज रिलेटिव है, क्योंकि ये भी गार्डियन एंजल्स ही होते हैं. बात करें इनके डिस्क्रिप्शंस की तो ये व्हाइट कपड़ों में हॉर्स बैक पे होली प्लेसेस को प्रोटेक्ट करते हैं. ये जरूरत पड़ने पे लोगों की मदद भी कर सकते हैं और बूढ़े लोगों को पनिश करने की भी काबिलियत रखते हैं. अब एक लेजेंड की माने तो शाम के वक्त नामघर नामक रिलीजियस प्लेस में जब नगाड़ा बजाया जाता है तो ये लंबे लंबे बूढ़ा डंगोड़िया अपने आप को रिवील करते हैं इंसानों के सामने. अब आई डोंट नो ये कितना सच है, अगर कोई मेरे आसाम के दोस्त हैं तो प्लीज आप इस पे जरूर फोकस डालिएगा. नाउ मूविंग ऑन, अगर हम कुछ और घोस्टली किरदार पे ध्यान दें तो यहाँ हमें अपने लंबे पैरों से जकड़ लेने वाली दिघोल थिंगिया है, एंड देन लोगों के घर से खाना खा लेने वाली घर ज्योति भी आसामीज फोकलोर का अहम हिस्सा है. अब बात चाहे असम की हो या हमारे देश के किसी और कोने की, भूत आत्मा और तंत्र मंत्र काफी प्रचलित होते हैं. तो ऐसे में मैं आपको कुकू एफएम पे भूत आत्मा पीपीएल, लेकिन ये सब स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल है गाइस. अगर आपको ये यहाँ पर नहीं जाना है, स्पॉटिफाई पे एवरीथिंग इज़ फ्री, सो यू डोंट रियली हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट. आई थिंक मैं काफ़ी पॉडकास्ट फॉलो करती हूँ स्पॉटिफाई पे, सो इफ़ यू गाइस वांट आई विल गिव यू द नेम्स ऑफ इट, जो काफ़ी अच्छे होते हैं. थ्रिलर्स वाले भी अच्छे होते हैं. आई डोंट नो अब अगर आपने उसको सुना है कि नहीं, भास्कर बोस. आई थिंक दैट्स रियली गुड, भास्कर बोस वाला. इट्स अ थ्रिलर, वो केस सॉल्व करते हैं क्राइम केसेस, और कभी कभार उसमें हॉरर केसेस भी होते हैं. देयर इज वन मोर जो मैं भूल गई अभी नाम, वो साइकियाट्रिस्ट थे वो डॉक्टर, बट दैट वाज अमेजिंग. उसने तो काफ़ी ऐसे ज़्यादा हॉरर वाले आते थे,
आई लेट यू नो इफ़ यू गाइज वॉन्ट मी टू लेट यू नो कि मैं कौन से पॉडकास्ट सुनती हूँ. अगर आपको पॉडकास्ट पसंद है तो बट दे ऑल आर फ्री, ऑल ऑफ देम आर फ्री. You don't have to pay anything. Even you don't have to pay for Spotify. जब भी हम अपने देश के भूत वगैरह की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल के बारे में बात करना मेरा सबसे फेवरेट है क्योंकि यहाँ भूतों की डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है. एंड मेरा मानना है कि इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन है लिटरेचर. जी हाँ, बहुत सारे ऑथर्स और डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग द फेमस वंस लाइक रविंद्रनाथ टैगोर एंड सत्यजीत रे अपने राइटिंग या मूवीज के थ्रू घोस्ट यानी कि भूतों को काफी पॉपुलराइज कर दिए मेनली एज ए फॉर्म ऑफ डीपर सिंबलिज्म. इनफैक्ट इनमें से तो कुछ मूवीज बहुत ही फेमस हो गई थी जैसे कि तीन कन्या और उसकी जो बहुत ही आइकॉनिक घोस्ट कैरेक्टर थी मोनिहारा. ऐसे ही स्टोरीज की लिस्ट बहुत लंबी है एंड बंगाली स्टोरीज स्पेशली सुपरनैचुरल जॉनर की आज भी काफी पसंद की जाती है और इसे रीडर्स, पॉडकास्ट एंथुसियास्ट सब लोग पसंद करते हैं. इनफैक्ट हमें जो मेल्स मिले और कमेंट्स मिले उसमें सबसे ज्यादा लोग बंगाल के भूत की ही बातें कर रहे थे. तो चलिए हम उन्हीं में से कुछ भूतों को चूज करते हैं और उस पर चर्चा करते हैं. बंगाल के सुंदरबन इलाका में बेघो भूत की एक अर्बन लेजेंड काफी फेमस है. मैं आपको बता दूं कि बेघो शब्द बाघ यानी कि टाइगर से आता है और अब तक आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ बात हो रही है द रॉयल बंगाल टाइगर. अकॉर्डिंग टू द लेजेंड सुंदरबन के जंगलों में बहुत सारे लोग टाइगर इनकाउंटर्स में मारे गए हैं एंड इनकी ही स्पिरिट्स को बेघो भूत कहा जाता है. ये स्पिरिट्स यूजुअली उन लोगों पे अटैक करते हैं जो कि जंगल में किसी तरह के रिसोर्स को चुराने जा रहे हैं जैसे कि लकड़ी या फिर कोई नया पेड़ इत्यादि. अब ये स्पिरिट्स करते क्या हैं कि लोगों को ट्रिक करके उनको टाइगर से कन्फ्रंट करवा देते हैं यानी कि उनको टाइगर के सामने ले आते हैं जिससे टाइगर उस इंसान पे अटैक करके उसे मार देता है. इनफैक्ट कई लोगों का तो इतना कहना है कि बेघो भूत जो होते हैं वो टाइगर्स के ग्राउलिंग की यानी कि उनकी जो आवाज़ होती है उसको इमिटेट कर सकते हैं, उनकी नकल कर सकते हैं और उस आवाज़ से जो जंगल में गलत इरादे लेकर आ रहे हैं उसे डरा कर भगा सकते हैं. अब मेरा पर्सनली मानना है कि ये लेजेंड विलेजर्स के द्वारा ही बनाई गई है ताकि जो वुड्स के इलीगल ट्रेड्स होते हैं ना ना करें. जा सके. अगर हम ट्राइबल हिस्ट्री देखें तो ट्राइब्स को फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे अपना हक जताने के लिए बहुत मुश्किलें उठानी पड़ जाती हैं एंड मोस्ट ऑफ इट वाज टू स्टॉप द इलीगल ट्रेडिंग ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड टू कंजर्व देम. अब बात यहाँ सिंपल सी है, ट्राइब वगैरह के जो लोग होते हैं वो लोग जंगल पे ही डिपेंड करते हैं लेकिन अगर इसे कमर्शियलाइज कर दिया जाता है तो उसमें पोचिंग एंड देन ट्रेडिंग ये सबसे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है और इसीलिए इन्होंने एक ऐसा लेजेंड बनाया जिससे सचमुच आज भी कई लोग डरते हैं और इस लेजेंड की वजह से ही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कुछ इल्लीगल चीजें कम होती होंगी. एनीवेज मूविंग ऑन, हम ऐसे भी घोस्ट देखते हैं जो कि गार्डियन स्पिरिट जैसे बिहेव करते हैं. जोखो ऐसे ही एक बंगाली घोस्ट है लेकिन इसकी बैक स्टोरी इंडियन घोस्ट लोर की सबसे गोरी और डार्क बैक स्टोरीज में से एक है. पुराने जमाने में जब भी कोई राजा या फिर कोई जमींदार होता था तो वो अपने अगले जनरेशन के लिए अपने प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करता था. अब ये प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकते थे लाइक गोल्ड, ज्वेल्स या फिर ऐसे ट्रेजर जो अभी भी होता है ऐसा, राइट? तो ये प्रिजर्वेशन के लिए वो लोग एक एक्सटेंसिव डार्क रिचुअल परफॉर्म करते थे. इस रिचुअल के हिसाब से उन्हें किसी जीवित इंसान की बलि चढ़ानी होती थी, यूजुअली किसी छोटे लड़के की. और ये जो लालची लोग होते थे वो अपने अमानत को छुपाने के लिए इंसानी सैक्रिफाइस भी दे देते थे. अब इस रिचुअल के बाद ही जोखो लेजेंड का जन्म होता था जो कि यूजुअली इन ट्रेजर्स को बचाकर रखती थी. अब आई नो ये काफी डार्क सा है बट अगेन एक लेजेंड है तो अब ये कितना सच है ये तो हमें नहीं पता. नाउ बहुत सारे बंगाली हॉरर स्टोरीज में जोखो का जिक्र किया गया है. मरने के बाद ये स्पिरिट्स उस ट्रेजर से हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं. उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेजर की रक्षा करना होता है. अकॉर्डिंग टू सम लेजेंड्स ये काफी डरावने होते हैं और कुछ कहते हैं कि ये काफी जेनरस होते हैं एंड जो भी इनको रिलीजियसली प्रे करके संतुष्ट करता है उसको भी जोखो वेल्दी यानी कि बहुत ही अमीर बना देते हैं. अब नेक्स्ट घोस्ट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको हैरी पॉटर के नियरली हेडलेस निक तो याद होंगे. वेल हमारे इंडियन फोक लोर में भी ऐसी ही एक सिमिलर घोस्ट है जिसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफिकल्ट है बट आई विल ट्राई. स्कोन धोकाता, ये उन लोगों की स्पिरिट है जिनकी मौत ट्रेन के पटरी पे हो जाती है स्पेशली अगर उनका सर वहाँ पे कट गया हो. अब कहानियों के मुताबिक ये ज्यादा हार्मफुल एंड एग्रेसिव नेचर के बिल्कुल भी नहीं होते. इंस्टेड ये अपने कटे हुए सर को ढूंढते हुए रात को कोई भी ट्रैवलर से मदद की गुजारिश करते हैं. अब आई नो ये डेंजरस नहीं है लेकिन अगर मेरे सामने कोई कटा सर वाला आदमी आता है तो मैं तो भाग निकलूंगा. एनीवेज ये यूजुअली साल ट्रीज में रहते हैं और सिर्फ रात को अपने कटे हुए सर की तलाश में निकलते हैं, दिन में आप इन्हें नहीं देख सकते.
अब ईस्ट इंडियन फोकलोर में घोस्ट्स के अलावा कुछ इंटरेस्टिंग डाइटीज भी हैं। ये मेनली वेस्ट बंगाल के ट्राइबल एरिया से कल्चरली एसोसिएटेड हैं। गादरोबोंगा ऐसे ही एक इविल डेटी है और इनका जो नाम है वो संथाल लैंग्वेज में अगर उसको ट्रांसलेट किया जाता है तो वो होता है स्मॉल डेमीगॉड। बंगाल के पुरुलिया बंकुरा रीजन के संथाल ट्राइब्स गादरोबोंगा के डॉल जैसे दिखने वाली मूर्ति की पूजा करते हैं ताकि वो अपने ट्राइब को किसी भी तरह के शाप से बचा सके। कुछ फैमिलीज इस मूर्ति की देखभाल की जिम्मेदारी लेते हैं और इन ट्राइब्स का ये भी मानना है कि ये गॉड दुनिया के सबसे बड़े ट्रेजर्स के रखवाली करते हैं एंड ऑन प्लीजिंग हिम वो उनको अमीर भी बना सकते हैं। गादरोबोंगा के इविल करतूतों में से एक है न्यू बॉर्न बेबीज को लोगों के घर से चुरा लेना और शायद ये भी वन ऑफ द रीजंस है कि वो लोग उनकी इतनी पूजा करते हैं ताकि उनके बच्चों को वहां से ना चुराया जाए। बात करें नॉर्थ ईस्टर्न लेजेंड्स की तो यूथलैंड की लेजेंड मेघालय में काफी पॉपुलर है। इन टर्म्स ऑफ बैक स्टोरी एंड लोर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंट्रीगिंग डिमोनिक क्रिएचर्स इन इंडियन फोकलोर। तो कहानी के हिसाब से लांगयांग कोंगखेन नामक विलेज में एक बहुत ही बड़ा डिमोनिक सांप थ्लेन एक इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट को ब्लॉक कर रहा था और जो भी वहां से गुजरता था वो सांप उसको बेरहमी से मार डालता था। ऐसे में यू स्वीडनो नामक व्यक्ति इस सांप को बड़े ही चालाकी से गरम आयरन पीस खाने पे मजबूर कर देता है। अब इससे होता है कि यह विशालकाय सांप थ्लेन दर्द से तड़पते तड़पते मर जाता है, लेकिन गांव वालों को पता था कि थ्लेन के अंदर रीजनरेट करने की एबिलिटी थी। जैसे डॉग है ना, पैर उसका कट गया तो रीजनरेट कर सकता है, बस एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। वैसे ही थ्लेन को अगर फिजिकल हार्म होता है तो वो रीजनरेट कर सकता था, लेकिन हाँ इस रीजनरेशन में भी कुछ वक्त लगने वाला था। तो गांव वाले डिसाइड करते हैं कि वो लोग गांव में एक फीस्ट रखेंगे और सब लोग मिलके थ्लेन के बॉडी को काट काट कर कंज्यूम कर लेंगे। तो कंजम्पशन के बाद वो रीजनरेट कैसे करेगा? नाउ ये आइडिया अच्छा था और यहाँ तक तो सब ठीक था, एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के लिए एक पीस बजा कर रख देती है, लेकिन सिर्फ उसका बेटा सोल्जर था तो वो वहाँ पे इस दौरान नहीं था एंड अनफॉर्चुनेटली वो जो एक पीस बचा था उस पीस के जरिए थ्लेन रीजनरेट होता है और वो एकदम और भी भयावह फॉर्म में खुद को ट्रांसफॉर्म करता है। ये नया और पावरफुल थ्लेन ह्यूमन सैक्रिफाइस मांगता है और बदले में लोगों को ट्रेजर्स देता था। इन ह्यूमन सैक्रिफाइसेस में लोगों को यूजुअली मार के उनके बाल और नाखून थ्लेन को दिए जाते थे। नाउ कहानी के हिसाब से मेघालय के डायथलेन फॉल्स के नीचे ही थ्लेन को चॉप यानी कि काटा गया था और डायथलेन का लिटरल ट्रांसलेशन होता है द थ्लेन वॉज चॉप यानी कि द थ्लेन को काटा गया था। मेघालय के चेरापूंजी के बारे में तो आप सबने जरूर सुना होगा। वेल लेजेंड्स की माने तो चेरापूंजी के केव्स में यूथलेन बसता था जहां वो अपने अगले ना। अब जब हम इतने सारे स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो भाई मेरे होम स्टेट की भी बात कर ली जाए। वेल अभी हम एक और अर्बन लेजेंड डिस्कस करेंगे जो कि बिहार से है। पंडुब्बा नाम का एक अर्बन लेजेंड काफी फेमस है, इसकी कहानी मैंने भी पर्सनली बचपन में सुन रखी है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इंसान पानी में डूब कर मारे जाते हैं उसकी स्पिरिट को पंडुब्बा खा जाता है। पंडुब्बा सिर्फ स्पिरिट्स को ही नहीं खाते बल्कि वो लिविंग इंसान पे भी अटैक कर सकते हैं। जी हाँ, मेरे तरफ ये कहा जाता है कि जब भी कोई इंसान रात के समय या फिर कभी भी अकेले एक वाटर बॉडी के पास से गुजर रहा हो, अब ये वाटर बॉडी कुछ भी हो सकते हैं जैसे कि पॉन्ड्स, लेक्स या रिवर्स, तो वहां पे पंडुब्बा उस इंसान को रोक के उससे खैनी या फिर शराब की डिमांड करता है। अब अगर वो आदमी उसे मना कर दे तो वेल पंडुब्बा उसे पानी में अपने साथ डुबा देता है, यानी कि उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। इतना ही नहीं, वो उस इंसान के बॉडी को लिटरली पानी के एकदम निचले तल तक ले जाता है और वहां उसके शरीर के हर एक अंग में बालू डाल देता है। तो ऐसे में अगले दिन उस वाटर बॉडी के पास से कोई और गुजर रहा हो तो उसे ये बॉडी मिलती है जिसके नाक कान और मुंह से बालू निकलते रहता है। इस कहानी की सबसे अजीब बात यह है कि बिहार में तो अभी अल्कोहल फिलहाल बैन है, तो आई डोंट नो अभी लोग क्या देते होंगे। हाँ, खैनी दे सकते हैं, विमल पान मसाला दे सकते हैं। क्या था? बचना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, उसे बिल्कुल इग्नोर कर दो, क्योंकि अगर आप उसे खैनी वगैरह दे भी देते हो तो भी उसके मूड पे ही डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा और क्या नहीं। अब पंडुब्बा की जो कहानी है बिहार में इतनी कॉमन है कि आई एम प्रिटी श्योर आप किसी भी अपने बिहारी दोस्त से पूछोगे तो आपको जरूर बताएगा हाँ पंडुब्बा के बारे में मैंने जरूर सुन रखा है। तो बस इसी अर्बन लेजेंड के साथ हम आज की वीडियो को खत्म करते हैं। आई नो मैं और भी बहुत सारे लेजेंड्स को कवर कर सकता हूं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग अभी भी इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। तो अगर इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। साथ ही बहुत सारे मुझे एंट्रीज आए थे और मैंने बहुत सारे अर्बन लेजेंड्स को आपने देखा कवर कर लिया है, तो ऐसे ही आपके पास और भी अर्बन लेजेंड्स है तो I'm gonna stop now. But yes, oh, this was so much fun. आई मीन हमारे यहाँ भी है, बट मैंने लास्ट टाइम बोला था ना जो मैंने आई हैव हर्ड ऑफ इट, बट कुछ भेजने के लिए आई थिंक आई विल रिसर्च मोर
एंड देन प्रॉब्ली सेंड इट टू हिम एंड सी मे बी अगर मेरी स्टोरी दी जा रही है कि नहीं. बट ओ आई एंजॉय दिस सो मच, आई लव दिस यार. आई होप कि ऐसे मेरे साथ ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो जो मेरे साथ ही सब देखेंगे. सो आई कैन डू मोर रिएक्शन और सच थिंग, प्लीज़ मैनिफेस्टिंग. आई रियली रियली एंजॉय दिस. अभी मुझे सैप तो है, आई मीन आई एम नॉट रियली अफ्रेड ऑफ स्नेक्स और एनीथिंग, बट आई डोंट नो दैट वो केव वाला तो काफ़ी डराना लगा मुझे. आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. बाय बेरीज, लव यू.